जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं आरपीएफ में 4660 जो वैकेंसी निकली है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों इसमें दोस्तों बात करेंगे आपका फिजिकल, पुरुष और महिला का फिजिकल किस प्रकार से होगा, आपकी हाइट कितनी ली गई, आपकी एज कितनी ली जा रही है और आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो किस प्रकार का है। तो आज हम संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको स्लाइड वाइज और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आरपीएफ जो है आपकी फोर्स उसका नाम बदलकर आरपीएसएफ कर दिया है, यानी कि पहले जो नाम था वो था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, लेकिन अब जो कर दिया है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इसका नाम बदल गया है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आरपीएफ को आरपीएसएफ कर दिया गया है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना थी 1957 में, आरपीएफ की शुरुआत हुई थी 1957 में, इसमें भर्ती की जा रही है 1957 से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, दोस्तों ये है आपकी जो आरपीएफ के संपूर्ण इसमें जो जानकारी दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल और दरोगा के पद के लिए निकली हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा और नीचे है कांस्टेबल। तो दोस्तों इनके जो आवेदन होने हैं वो 15/4/2024 से 14/5/2024 तक होने हैं, यानी कि पूरा एक महीना चलने वाला है। 15 अप्रैल से और 14 मई तक आपके आवेदन होने वाले हैं, एक महीने तक आपके आवेदन चलने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों नीचे बात कर लेते हैं कि इसके जो है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो नाम और पोस्ट हैं, ये आपकी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं इनका जो लेवल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा का जो लेवल है वो लेवल 6 है और कांस्टेबल का जो लेवल है लेवल 3 है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के लिए आपको क्या क्या योग्यता आवश्यकता होगी। अगर आप इंस्पेक्टर में आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट यानी कि स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से हो, आपके पास स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएट आपके आपकी होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास 10वीं पास होने चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप 10वीं पास होने चाहिए, मान्यता प्राप्त कॉलेज से या स्कूल से आप 10वीं पास होने चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पे ग्रेड जो है, पे ग्रेड किसका कितना है। जो दरोगा है उसका जो पे ग्रेड होगा वो 35,400 रुपये होगा दरोगा का पे ग्रेड। अगर लगभग सैलरी की बात करें, जब आप भर्ती हो जाओगे तो सैलरी की बात करें तो लगभग 50,000 प्लस आपकी सैलरी इसमें होने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल का जो पे ग्रेड है वो 21,700 है, 21,700 पे ग्रेड है। अगर बात करें सैलरी की, अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपको जो सैलरी वो कितनी मिलने वाली है, तो लगभग आपकी जो सैलरी है वो 35,000 प्लस इसमें आपकी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों एक और बात बता दें, जो एज है उसकी जो गणना है वो 1/7/2024 से इसमें काउंट होने वाली है। तो 1/7/24 से इसमें काउंट होगी, तो आप अगर 1/7/24 के मध्य इसके अंडर अगर एज हो जाती है तो आपकी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कितनी किसको आवेदन करने के लिए एज की आवश्यकता होनी है। अगर आप दरोगा के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें आरक्षण के अनुसार एज में छूट भी दी गई है। तो इसमें जो छूट दी गई है वो दोस्तों आपके जैसे कोरोना टाइम के वजह से इसमें 3 साल की सभी कैटेगरी को लिए छूट दी गई है, प्लस जो अभ्यर्थी जो अपने जातिगत कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें जातिगत जो आरक्षण है एज का वो भी मिला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें आपको बताने वाले हैं कि आपको कितनी छूट मिली है और कितनी आपकी जो एज है, कितने किसको एज में किसको जो फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी है आपकी, वो वैकेंसी है आपकी, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपकी 452 वैकेंसी है। वहीं अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 4208 वैकेंसी हैं। और दोस्तों बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए 15% इसमें आरक्षण है, यानी कि महिलाओं के लिए अगर सब इंस्पेक्टर के लिए महिला आवेदन कर रही हैं तो उन्हें 452 में 15% महिलाओं की सीट है। और वहीं अगर कांस्टेबल में भर रही हैं तो 4208 में 15% महिलाओं के लिए छूट है। और टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 4660 टोटल वैकेंसी आपकी होने वाली है, यानी कि 4660 इसमें टोटल वैकेंसी हैं। अब दोस्तों बात कर लें कि जो एज में किसको कितनी छूट मिली है दोस्तों।
तो दोस्तों ये है दोस्तों आपका कि आपकी जो एज है वो आपकी 1/7/2007 से काउंट की जाएगी और किसको कितनी इसमें छूट मिली है, तो दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 18 से 28 वर्ष के मध्य आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप OBC वर्ग में आते हैं तो आपको 18 से 28 वर्ष तो आपकी होनी ही है, प्लस आपको 3 साल इसमें आरक्षण के हिसाब से आपको छूट मिली है, तो आप 31 वर्ष तक भर सकते हैं, यानी कि 18 से 31 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें आप SC ST उम्मीदवारों के लिए, तो उनके लिए क्या है दोस्तों कि वो अगर 18 से 28 तक आवेदन कर सकते हैं लेकिन आरक्षण के अनुसार उन्हें 5 वर्ष की छूट मिली है, तो वो 18 से 33 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप दरोगा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 20 से 28 वर्ष जनरल और EWS वालों के लिए है। वही बात करें 28 वर्ष और प्लस 3 वर्ष यानी कि 20 से 31 वर्ष तक आप OBC वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप SC ST में हैं तो आप 20 से 33 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसकी जिससे एज स्टार्ट है वहां के बाद जो एज की जो छूट है वो उसमें आप काउंट करके अपना देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल और EWS में तो आप 28 वर्ष तक ही आवेदन कर सकते हैं, अगर आप OBC में आते हैं तो 3 साल की छूट है तो 31, अगर आप SC और ST में आते हैं तो 5 साल की छूट है, तो आप 33 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी एज में आपको इतनी छूट मिली है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हाइट के बारे में कि आपको कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी या EWS में अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट आपके लिए गई है, क्योंकि RPF में हाइट कम मांगी जाती है दोस्तों, UP पुलिस के अनुसार इसमें हाइट कम होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप SC ST वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट ली जाती है। दोस्तों अगर बात करें अगर आप वहीं गोरखा गढ़वाल या डोगरा यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के आते हैं अभ्यर्थी, उनकी जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर इसमें ली जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो चेस्ट के बारे में, अगर आप जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं तो आपका जो चेस्ट है वो 18 से 85 तक ली जाती है, यानी 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव लिया जाता है। वहीं अगर आप SC ST वर्ग से हैं तो आपकी 76.2 से 81.2 तक ली जाती है, जिनमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की हाइट है वो कितनी ली जाती है। जो महिला अभ्यर्थी है उनकी जो हाइट है, अगर महिला जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी की महिला है तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर ली जाती है। अगर दोस्तों महिला SC वर्ग या ST वर्ग की हैं तो उनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर तक ली जाती है। दोस्तों जो फिजिकल है आपका किस प्रकार से होना है, कितनी उसमें जो रनिंग है वो है, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात कर लेते हैं फिजिकल पुरुषों के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, और उनके भी अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करें तो कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के फिजिकल के बारे में बात करेंगे। अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो फिजिकल है वो इस प्रकार है कि 1600 मीटर की जो रेस है आपको 5:45 यानी 5:45 में आपको पास करनी होगी। और दोस्तों 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होने वाली है और वहीं 4 फीट आपकी ऊंची कूद यानी हाई जंप होने वाली है। अगर आप दरोगा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके जो रनिंग है वो कितनी है, तो 1600 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 6:30 में पार करनी है। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है, और ऊंची कूद की बात करें हाई जंप, तो आपको 3.9 फीट हाई जंप इसमें पास करनी है दरोगा के लिए। यानी कि कांस्टेबल और दरोगा के फिजिकल में सेम फिजिकल में समय का अंतर है, और हाइट लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी थोड़ा फर्क किया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं के फिजिकल के लिए, जो महिला है उनका फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, और साथ ही कांस्टेबल का फिजिकल और दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर कांस्टेबल के लिए आप आवेदन कर रही हैं महिलाएं, तो उनको 800 मीटर की जो रनिंग है वो 3:45 यानी कि 3:45 में पास करनी होगी। वही बात करें उन्हें 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट उन्हें हाई जंप करनी होगी। अब दोस्तों बात करें अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए आवेदन कर रही हैं तो आपके लिए 800 मीटर की जो रनिंग है तो वो 4 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। वहीं बात करें इसमें 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट आपको हाई जंप करनी होगी। दोस्तों अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल का, एग्जाम किस प्रकार का होना है, एग्जाम का क्या शेड्यूल है, इस प्रकार से एग्जाम आएगा तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एग्जाम डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम डिटेल क्या है। जीके जीएसए आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और वहीं रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन हो गए आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे में इनको करना होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी आपकी 1/3 यानी कि 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन होगा यानी कंप्यूटर मोड पर आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो आपका एग्जाम कंप्यूटर मोड पर होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी आपके आरपीएफ भर्ती संबंधी जानकारी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो और जो सूचना होगी आरपीएफ संबंधित आपको समय से अपडेट हो जाए। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।